भोजपुर में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी लोग किसी भी पार्टी समारोह में तमंचा लहराने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन बेगुनाहों की जान चली जाती है। ताजा मामला जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के दावा गांव की है, जहां एक शादी समारोह में अज्ञात लोगों ने हर्ष फायरिंग की, जिसमें एक डांसर को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। जख्मी डांसर काजल कुमारी छत्तीसगढ़ के चिचोला गांव की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। मसौढ़ी पटना गया रेलखंड पर मसौढ़ी कोर्ट हॉल के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला की पहचान मोनी कुमारी के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो अपराधियों ने एक ऑर्केस्ट्रा संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मृत व्यक्ति की पहचान सिरसिया गांव निवासी अमित कुमार सिंह के रूप में हुई है। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल घटना के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर बेतिया यातायात पुलिस कर्मियों की वाहन चेकिंग के दौरान घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जिले के एसपी ने मामले में शामिल चारों यातायात पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी मुकुल परिमल पांडे ने जांच में वीडियो को सही पाया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में फाइनेंस कर्मी अमानत अंसारी के साथ अपराधियों ने मारपीट कर 2 लाख रुपए लूट लिए। इस मामले में फाइनेंस कर्मी का कहना है कि बुधवार की शाम कार्यालय से लौटने के दौरान अपराधियों ने बंदूक की नोक पर पहले तो उनसे जमकर मारपीट की, फिर उसके बाद पैसे लूट लिया। फिलहाल पीड़ित व्यक्ति का इलाज जारी है।